योर क्लास थर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर एन्यूमरेशन. आज हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं अपना टॉपिक प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड एक्सटेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. तो हम इसके बारे में करते हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा प्लेस फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होता है? अगर हमें किसी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाती है तो वो फेस वैल्यू वही नंबर होता है, जैसे कि जिस नंबर की हमसे फेस वैल्यू पूछी जा रही है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होती है. जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो 2 की फेस वैल्यू है 2. हमें इसके अंदर सिर्फ फेस वैल्यू बतानी है. जैसे मिरर इफेक्ट होता है कि हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हमें अपनी ही शक्ल दिखती है, वैसे ही फेस वैल्यू मतलब कि 2 की फेस वैल्यू क्या है. 2 की फेस वैल्यू 2 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है, 1 की फेस वैल्यू 1. जिस भी नंबर के हमसे फेस वैल्यू पूछ जाती है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होती है, चाहे वो कोई भी प्लेस पे हो, चाहे कोई वो 1000 प्लेस पे हो, 100 प्लेस पे हो, 10 प्लेस पे हो, उसकी फेस वैल्यू वही नंबर आती है. ओके, जैसे कि हमसे यहाँ 3 की पूछी गई तो 3 की फेस वैल्यू 3 है, 1 की फेस वैल्यू 1 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है. तो इस तरीके से फेस वैल्यू सभी की सेम होती है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है? अगर हमसे किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो वह नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से कौन से प्लेस पे सेटल्ड है, कौन से प्लेस पे प्लेस्ड है, वो नंबर उसकी प्लेस वैल्यू होती है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 3456. हमसे मान लीजिए पूछ ले गए कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो हमें बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे 1, 10, 100 and 1000. तो ये है 100 प्लेस, 4 है 100 प्लेस, ठीक है, 4 जो है वो 100 प्लेस पर है, तो इसे बोला जाएगा 400. जैसे कि मैं इजी वे दिखाती हूँ, उसको फेस वैल्यू क्या है 4 की, फेस वैल्यू मैंने बताया था फेस वैल्यू हर नंबर की सेम रहती है, चाहे वो कोई भी प्लेस हो. अगर 3 की जो है वो 3000 प्लेस पर है, पर उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी. 4 जो है वो 100 प्लेस पर है, तो उसकी फेस वैल्यू 4 ही रहेगी. तो 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4. और वह कौन से प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू चार्ट में वो कौन से प्लेस पे है, तो प्लेस कौन सा है इसका, 1, 10, 100. तो प्लेस है 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 400. तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 400. वह नंबर जिस प्लेस वैल्यू चार्ट में जिस नंबर प्लेस पे सेटल होगा वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी. जो नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से कौन से प्लेस पे सेटल्ड है वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी. ओके, तो मैं आपको इस पूरे नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल के दिखाती हूं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में बनाना है. ओके, हमें निकालना है फर्स्ट फेस वैल्यू, देन हमें निकालनी है प्लेस, देन हमें बताना है इसको मल्टीप्लाई करके. फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस हमारा आ जाएगा प्लेस वैल्यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया था 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही रहेगी, सभी नंबर की प्लेस वैल्यू वही रहेगी. तो हम सभी नंबर की प्लेस वैल्यू आते हैं लिख देते हैं 6 की प्लेस वैल्यू 6. ओके, हमने सब नंबर की फेस वैल्यू लिख दी है, देन हम बताने कि ये प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से कौन से प्लेस पे सेटल है. ओके, जो 3 है वो 1000 प्लेस पे, 4 है वो 100 प्लेस पे है, 5 जो है वो 10 प्लेस पे है, और जो 6 है वो है 1 प्लेस पे. हमने इनके प्लेस लिख दिए, देन हमें इनको करना है मल्टीप्लाई. 3 की मल्टीप्लाई बाय 1000, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1. 10 जो आंसर आएगा वो इनकी प्लेस वैल्यू होगी. ये हो गया 3000, मतलब 3 की प्लेस वैल्यू है 3000.
एक्सपेंड करना होता है, इंडिविजुअल फॉर्म में लिखना होता है, इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर। जैसे कि एक एग्जाम्पल के करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है 1345। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में करेंगे। Settled है, इसलिए हम इनका सिर्फ मेन पार्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम इधर लिख लेंगे। जैसे कि 5 4 में
थाउजेंड सेट ऑन थाउजेंड प्लेस, तो प्लेस वैल्यू फाइव थाउजेंड है और जो नंबर है वो थाउजेंड प्लेस पे सेट है. द प्लेस वैल्यू इज फोर, द प्लेस वैल्यू इज फोर थाउजेंड सेट ऑन हंड्रेड प्लेस, द प्लेस वैल्यू इज फोर हंड्रेड सेट ऑन हंड्रेड प्लेस. जो प्लेस वैल्यू है वो फोर हंड्रेड है और वो कौन से प्लेस पे सेट है, हंड्रेड प्लेस पे, तो हमने फोर को लगा दे दी है. जो द प्ले वैल्यू, द प्लेस वैल्यू इज थ्री टेन सेट ऑन टेंथ प्लेस, जो थर्टी है प्लेस वैल्यू वो टेंथ प्लेस पर सेटल है, तो इसे हमने थ्री को अलग दे दी है टेंथ प्लेस पे. और जो पी वी इज टू वन सेट ऑन वन प्लेस, जो पी वी है प्लेस पे जो है टू वन की वो कौन से प्लेस पे है, वन प्लेस पे, तो हमने उसको अंडर करके वन प्लेस कर दिया. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, देन हम उसको तो पी वी सही से लिख देंगे. ये थी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म. तो पहले हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे, देन हम इसको नॉर्मली छोटे छोटे फॉर्म में कर सकते हैं. ये थी आज आपकी टॉपिक प्लेस वैल्यू फ्रेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.